एवरी वन आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू टूडेज न्यू एनालिसिस वीडियो सो आज का डेट है ट्वेंटी फर्स्ट फाइव वेनसडे एंड करेंट टाइम इज फोर डॉट जीरो टू पी एम सो मार्केट्स आज का क्लोज हो गया एंड सेकेंड हाफ सेशन में इट्स बीन अ मेजर सेलिंग डे अ मेजर रिट्रेसमेंट डे तो मॉर्निंग से ही देखिए आज के दिन ये रिप्रेसमेंट मार्केट्स में एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन मार्केट्स सेल ऑफ होने वाला है तो एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन से अल्टीमेटली आज के दिन जो कंक्लूजन है बनाया गया कि इट्स अ सेलिंग मार्केट तो ये भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का ही पार्ट है एंड देखिए किस दिन मार्केट कंटिन्यूशन कर सकता है किस दिन रिवर्सल हो सकता है या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को स्ट्राइक प्राइस से ही मार्केट्स में आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो मेजरली इसी से कर लिया जाता है ऐसा नहीं कहना चाहिए बट इट्स वन ऑफ़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर स्ट्राइक प्राइस में काफ़ी अनयूजअल बिहेवियर है देन डेफिनेटली एक वहाँ पर कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि आज के दिन कंटिन्यूशन डे है या फिर तो रिवर्सल डे है तो इसी के बेस पर मॉर्निंग के दिन आज के दिन कॉल ऑप्शन में वीकनेस फाइंड आउट किया गया जिसके बेस पर इट वॉज वेरी कंफर्म बेस्ड ऑन द मेजर मार्केट ओवरव्यू तो सारी चीज़ें कंबाइन करते हैं फिर अगर सेट ऑफ कॉम्बिनेशन में चीज़ें फॉल करती हैं तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि बॉस इट्स अ सेलिंग डे टुडे तो चार्ट्स के थ्रू यहां पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे इसके पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि इट्स दी कंटिन्यूस फिफ्थ डे ऑफ द टारगेट फिफ्थ से सिक्स डेज हैं कि कंटिन्यूस स्ट्राइक हम यहां पर लगातार मार्केट्स में कर रहे हैं सो so, जिनको भी टेलीग्राम चैनल हेल्प आउट कर रहा है तो देखिएगा जो मार्केट एनालिसिस है कि आने वाला जो जैसे कि अनाउंस किया गया सिक्स डेज लाइव सेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ मार्च तो जो भी देखिए ये कंसेप्ट हैं हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हो गया कंटिन्यूशन रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करना है जैसे पिछले पाँच से छः दिन तक लगातार हमने एग्जैक्ट एक दो ही कैंडल में आइडेंटिफिकेशन किया है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रहा है एंड कहाँ से सपोर्ट बन रहा है तो सुनने में लग सकता है कि एग्जैक्ट कैसे हम उसको एनालाइज़ कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं तो वाई एग्जैक्ट हो रहा है क्योंकि जो मेरा एंट्री पॉइंट होता है तो मेरा एंट्री का प्रिफ्रेंस क्या होता है कि मैंने एंट्री किया और मार्केट्स में सडन एक मोमेंटम आना चाहिए राइट right? तो मेरा एस भी उसमें सेफ हो जाता है मोमेंटम में एंड ट्रेड के पॉजिटिव जाने का प्रोबेबिलिटी भी काफी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है सो so एग्जैक्ट उसी टाइम पर शेयर किया जा रहा है इसलिए मार्केट्स में हम कंटिन्यूस हिट देख सकते हैं एंड जैसे ही एंट्री होता है तो वहां से मोमेंटम इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट का ही शेयरिंग किया जा रहा है सो so यही सारी चीजें सिक्स डेज लाइव सेशन में और भी डेप्थ में चीजें यहाँ पर उसमें शेयर किया जाएगा सो so, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं एंड ऑफर पीरियड है तो सिक्स मंथ का टेलीग्राम एक्सेस इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एंड अर्ली बर्ड फिफ्टीन ऑफर कूपन कोड को यूज कर सकते हैं टू अवेल एडिशनल फिफ्टीन परसेंट ऑफ ऑन द सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स तो चार्ट के थ्रू यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो मार्केट जैसे की आज के दिन देखेंगे तो इसके पहले चलिए आज का साइड में रखते हैं इसके पहले हमने कंटिन्यूस एक ही पैटर्न पर ट्रेड किया था कि मार्केट सेल ऑफ होगा सेल ऑफ़ बनने के बाद सपोर्ट पर हम जा कर के बाय करेंगे अब आज के दिन भी देखिए सेम पैटर्न बनाया उसमें भी ट्रेड करके इनफ पॉइंट कैप्चर किया जा सकता था बट आज के दिन बाइंग ना करके सेलिंग साइड का क्यों प्रेफरेंस लिया गया है क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज्यादा वीकनेस था तो कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हम फर्दर वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे सो so, कंटिन्यूस इसके पहले हमने सेम बिहेवियर पर एग्जीक्यूट किया है कि मार्केट नीचे गिरा है सेलिंग स्विंग क्रिएट किया है तो सेलिंग स्विंग का सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर हमने कंटिन्यूसली बाइंग साइड का पोजिशन एग्जीक्यूट किया है तो इस दिन कल के दिन भी ट्वेंटी फरवरी को बाय किया गया टेलीग्राम का पोस्ट आप जाकर के देख सकते हैं ट्वेंटी फैब अगर कल का देखेंगे तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर शेयर किया गया था कि मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूशन इज एक्सपेक्टेड इसके बाद देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूशन किया एंड रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करता हुआ अगेन बाइंग साइड का मोमेंटम किया इसके पहले भी देखेंगे तो अगेन मल्टीपल ये तो कंटिन्यूस फाइव डेज हो गया मैं आपको कौन कौन सा दिन शो करूंगा बट अगेन एक एग्जांपल और देख सकते हैं नाइनटीन फेब को सपोर्ट पर ही कि जैसे ही सपोर्ट बना तो सर्टेन कन्फर्मेशन लॉजिक्स होता है जिसके बेस पर आइडेंटिफिकेशन को किया जाता है अब मैंने जैसे मेंशन किया गया कि सिर्फ प्राइस के स्विंग को ही देख करके सपोर्ट बन गया है ये आइडेंटिफाई करना हो तो जाएगा बट यहाँ पर क्या होगा उसका उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कॉन्फिडेंस कब होता है जब यही सपोर्ट का प्रोबेबिलिटी बनने का क्रिएट होने का स्विंग प्रोबेबिलिटी से मैच करें ओवरऑल मार्केट ओवरव्यू से मैच करें ऑप्शन स्ट्राइक से मैच करे वॉल्यूम से मैच करे एंड मार्केट कंडीशन से मैच करे तब जाकर के कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यही सपोर्ट बनने का बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो इस दिन यहाँ पर सपोर्ट शेयर किया गया इसके बाद एक अच्छा कंटिन्यूस कंटिन्यूएशन रिवर्सल कल के दिन भी यहाँ पर देखने को मिला सो बैक ऑन टू द चार्ट्स तो मल्टीपल कंटिन्यूस हमने एक ही लॉजिक पर ट्रेड किया कि मार्केट पहला सेलिंग स्विंग बनाया सपोर्ट बनने पर हमने बाय किया है यहाँ पर भी मार्केट गिरा सपोर्ट बनने पर हमने किया, के बेस पर को किया जाता है कि गिरते हुए मार्केट में बढ़ते हुए मार्केट में किसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी है अब आज के दिन अगर देखेंगे तो आज के दिन भी सिमिलर ट्रेड लिया जा सकता था कि मार्केट नीचे सेल ऑफ हुआ सेल ऑफ के बाद सपोर्ट बनाता तो अगेन हम बाइंग साइड का कंटिन्यूशन का ट्रेड ले सकते थे बट आज के दिन देखिए मॉर्निंग में ही क्लियर हो गया था कि इट्स अ रिवर्सल डे इट्स नॉट अ बाइंग डे इट्स अ सेलिंग मार्केट ये मॉर्निंग में ही क्लियर हो गया था तो टेलीग्राम चैनल पर भी देखेंगे तो मैंशन किया गया अगर आज का चार्ट ओपन करेंगे तो ये आज का पोस्ट है एंड सबसे पहला पोस्ट देखेंगे तो पहले ही मैंने टेक्स्ट को मेंशन कर दिया था कि दस बज के बारह मिनट टाइमिंग यहां पर देख सकते हैं कि मेंशन किया गया कि इट्स अ सेल ऑन राइज डे बाइंग मार्केट नहीं है तो मॉर्निंग में ही क्लियर हो गया तो बाई क्यों करेंगे इट्स अ सेलिंग मार्केट तो यहाँ पर मैंशन कर दिया गया था कि इट्स अ सेल ऑन राइस डे सेल ऑन राइस डे मतलब मार्केट बढ़ रहा है लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं है वो नीचे गिरेगा इसलिए हम बेचते हैं राइस पर इसलिए कहा जाता है कि इट्स अ सेल ऑन राइस डे तो दस बज के बारह मिनट पर ही देखिए मेंशन किया गया एंड टेक्स्ट को भी मेंशन किया कि सपोर्ट ब्रेक डाउन एक्सपेक्टेड एंड इंट्राडे हाई जो है वो क्रिएट हो चुका है तो जैसे ही इंट्राडे हाई का क्रिएशन कंफर्म हुआ तो उसको आप सभी के साथ शेयर किया गया तो यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं कि कहीं से कहीं तक अगर एक नॉर्मल रिटेलर अगर चार्ट को देखेगा इस पॉइंट पर कि दस बज के बारह मिनट पर तो उसको क्या लगेगा देखने में कि इट्स अ बाइंग मार्केट अगर एक बिगनर देखेगा रिटेलर देखेगा तो क्या लगेगा जनरल ऐसे मार्केट्स को देख करके कि सेलिंग स्विंग है सेलिंग स्विंग पूरा रिवर्स हो गया है और मार्केट हायर लेवल पर है इंट्राडे हाई के पास है और ऐसे में मैं क्या कह रहा हूँ कि इट्स अ सेलिंग डे एंड सपोर्ट ब्रेक डाउन एक्सपेक्टेड है सपोर्ट्स को भी मार्क किया गया तो इसके लॉजिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे इसके पहले यहाँ पर इसको पोस्ट को शेयर किया गया इसके बाद ये सपोर्ट मार्केट ने ब्रेकडाउन किया ये सपोर्ट कौन सा था

कि सेलिंग मार्केट आज के दिन है तो ये कंफर्मेशन के बाद और कॉन्फिडेंस आया तो पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है तो इसी बेस पर अगेन टेक्स्ट को मेंशन किया गया कि अगेन ये सपोर्ट को बनाया गया एंड मेंशन किया गया कि नेक्स्ट सपोर्ट ब्रेकडाउन आल्सो एक्सपेक्टेड इसके बाद देखेंगे तो अगेन मार्केट दस बज के तेईस मिनट पर ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक कर चुका था एंड इंट्रा डे लो के करीब आ गया था इंट्रा डे लो का टेस्टिंग हो रहा था तो यहाँ पर फिर अगेन मेंशन किया गया कि इंट्रा डे लो ब्रेकडाउन भी एक्सपेक्टेड है आल्सो एक्सपेक्टेड तो इसके बाद इंट्रा डे लो भी यहाँ पर कंटिन्यूस ब्रेकडाउन हुआ टेन डॉट ट्वेंटी नाइन पी एम पर तो ट्रेड आज का रनिंग था दस बज के बारह मिनट से दस बज के दस मिनट की कैंडल से अराउंड से टेन डॉट थर्टी एम तक तो ट्वेंटी से ट्वेंटी वन मिनट्स का ही आज के दिन ट्रेड था एंड मोमेंटम देखेंगे कंटिन्यूस चार कैंडल में अचीव हो गया तो इंट्राडे लो ब्रेकडाउन भी एक्सपेक्टेड था एंड यहाँ पर मार्केट्स ने अगेन इंट्रा डे लोस को भी ब्रेक डाउन किया तो टेन डॉट ट्वेंटी नाइन एम पर अगेन इसको शेयर किया गया ट्रांसपेरेंसी के लिए हर एक पोस्ट का आप सेकेंड्स का भी टाइमिंग देख सकते हैं कि टेन डॉट ट्वेंटी नाइन डॉट जीरो थ्री सेकेंड्स पर इस स्क्रीनशॉट को लिया गया एंड सेम मिनट में देख सकते हैं टेलीग्राम का टाइमिंग है इसको शेयर किया गया है तो हर एक स्क्रीनशॉट का टाइमिंग वहां पर देख सकते हैं तो कंटिन्यूस चार कैंडल मार्केट सेल ऑफ किया तो इसी में जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है एक्सपेक्टेशन तो यहाँ से और नीचे गिरने का था कि इट्स अ सेल ऑन राइस डे कि सेलिंग ही डे है आज के दिन बट फिर भी हम क्या करते हैं ग्रीड नहीं रखा जाता है रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है मेरा टारगेट आ गया चार कैंडल्स में इंट्रा लो ब्रेक डाउन जैसे ही हुआ सपोर्ट्स पर टारगेट्स को बुक कर लिया गया तो सेम पॉइंट पर इस पर्टिकुलर पोस्ट को अपडेट किया गया हालांकि आज के दिन देखेंगे तो मार्केट ये जो सपोर्ट ब्रेक किया था मॉर्निंग सेशन में इस सपोर्ट को भी बाद में अगेन मार्केट्स ने यहाँ पर ब्रेक किया है ये सपोर्ट था अगेन ब्रेक किया और अगेन रिकवरी के बाद अगेन मार्केट्स अब और ज़्यादा सेल ऑफ हुआ अब इतना बड़ा सेलिंग देखेंगे तो ये सेलिंग आपको क्या लगेगा छोटा लगेगा. In comparison to this major aggressive selling. But ये काफी अच्छा momentum था आज आज के के दिन दिन पर किया गया. का put option लिया गया गया. लिया लिया का तो पुट ऑप्शन को यहाँ पर मैं ओपन करूंगा सबसे पहले एंट्री एग्जिट को माफ करेंगे तो ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड का वीकली एक्सपायरी आज के दिन लिया गया सो ट्वेंटी सेकेंड का पुट ऑप्शन हमारा ये वाला है ओके सो मॉर्निंग से देखेंगे तो मार्केट में भी एक यहाँ पर डाइवर्जेंस थोड़ा सा प्राइसेज में भी देखेंगे तो स्ट्राइक प्राइस है जो वीकली स्ट्राइक प्राइस है इसमें मॉर्निंग से देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया था कि स्पॉट क्या कर रहा था हाइस को ब्रेक कर रहा था बट ऑप्शन चार्ट क्या कर रहा था सपोर्ट के बाद सपोर्ट को सस्टेन कर गया था तो ये भी वन ऑफ दी कंफर्मेशन पॉइंट्स होता है जैसा प्रीवियस वीडियोस में बताया गया है सो so, एंट्रीज को मार्क करेंगे तो यही कहीं पर आज का एंट्री प्लान किया गया अराउंड 140 का प्राइस के अराउंड एंट्री आज के दिन मिल गया था तो एंट्री लाइन को ब्लू लाइन से मार्क करूंगा एंड एग्जिट पोल्स देखेंगे तो टेन डॉट ट्वेंटी नाइन एम पर मैंशन किया गया था गुड मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन मिल चुका है तो टेन डॉट ट्वेंटी नाइन का कैंडल देखेंगे तो ये वाला है जब मार्केट इसमें हाइस की तरफ प्रोसीड कर रहा था तो लास्ट मिनट में अराउंड यहाँ पर एग्जिट किया गया तो 140 से 150, 160 एंड 170 सेवेंटी मोर देन अराउंड से 30 टू 35 पॉइंट्स को आज के दिन यहां पर बुक किया गया सो so, ओवरऑल देखेंगे तो इसके बाद मार्केट और भी ऊपर परफॉर्म किया बट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन देखिए मार्केट इतना गिर गया ऑप्शन चार्ट मॉर्निंग में देखेंगे थोड़ा सा स्लो भी परफॉर्म किया है तो इसी बेस पर कंटिन्यूस मोमेंटम हो गया अब कंटिन्यूअसली ही गिरते चले जाना डायरेक्टली ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था इसी बेस पर फिर 30 टू 35 पॉइंट्स में ही टारगेट्स को बुक किया गया सो so यहाँ पर अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलियन डॉलर क्वेश्चन आता है कि कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि इट्स अ सेलिंग मार्केट एंड नॉट अ बाइंग मार्केट तो देखिएगा ओवरऑल अगर मेजर मार्केट ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ पर एक तो सबसे पहली चीज है कि कल के दिन मैंशन भी किया गया था एनालिसिस वीडियो में कि एक और पॉइंट को हमने अंडरस्टैंड किया था कि देखिए सेलिंग स्विंग बना है बाइंग स्विंग बना दिया अब सेलिंग स्विंग का अगर रिवर्सल हो जाता है और इसके बाद अगेन अगर मार्केट क्या करता है इंट्रा डे लोज तक आ जाता है या सेलिंग आ जाता है तो यहाँ पर ये कैसे क्या हो जाएगा कंफर्म हो जाएगा कि इट्स अ सेलिंग डे बट कैसे इंट्रा डे हाई पर ही मेंशन किया गया कि इट्स अ सेलिंग डे क्योंकि एक एग्रेसिव सेलिंग मोमेंटम यहाँ पर एक्सपेक्टेड था वीकनेस था तो बाइंग साइड जाने का मार्केट्स का काफ़ी ज़्यादा कंप्रोबिलिटी था एंड अकॉर्डिंग टू द अगर प्राइस नेचर बात करेंगे तो सेलिंग साइड का कंफर्मेशन कब आएगा मार्केट सेलिंग स्विंग बनाया मॉर्निंग में बायर ने पूरा रिवर्स किया अब जब ये बाइंग स्विंग अगर फेल हो जाता है तो इट विल बी शॉर्ट शॉर्ट कन्फर्मेशन की इट्स अ सेलिंग डे तो ये तो बात हो गई प्राइस के स्विंग के नेचर पर कन्फर्मेशन क्या होगा राइट बट एग्जीक्यूशन क्या किया गया स्विंग नेचर क्रिएट होने के पहले ही इस पॉइंट पर किया गया है तो इसका कैसे किया गया है? क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था कि जब ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जब ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि सेलिंग स्विंग बनने वाला है बाइंग स्विंग फेल होगा तब इस तरह का एग्जीक्यूशन मार्केट्स में किया जाता है तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है पॉइंट बाय पॉइंट अंडरस्टैंड करेंगे तो सबसे पहले तो देखिए स्विंग का नेचर मैंने मैंशन कर दिया कब कन्फर्मेशन होगा कि सेलिंग स्विंग आया बाइंग स्विंग आया अब जब ये बाइंग स्विंग फेल हो जाएगा जो यहाँ पर फर्दर फेल हुआ है एंड पैटर्न बन गया है तो इससे कंफर्मेशन आएगा तो ये पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट बनता है कि ओवरऑल अगर मार्केट कंडीशंस देखेंगे तो मार्केट क्या किया है रिट्रेसमेंट आया है रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूस प्रीवियस डे पर बाइंग साइड मार्केट था एंड अगेन आज के दिन मार्केट क्या किया गैप अप हुआ है अब गैप अप होने के बाद देखिएगा अगर जब भी मार्केट ऑल टाइम हाइपर है तो बाइंग ही सिनेरियो होता है बुलिश ही मार्केट होता है तो गैप अप हुआ है तो गैप अप हुआ है तो कंटिन्यूएशन होने के लिए क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट गैप को सस्टेन करना चाहिए तो जो सेकंड पॉइंट है जो नेगेटिव बिहेवियर है बाइंग मार्केट के लिए कि मार्केट गैप को सस्टेन नहीं किया है ऑल टाइम हाई मार्केट ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि मार्केट गैप अप हुआ और गैप को सस्टेन करता हुआ क्योंकि ऑल टाइम हाई ही चल रहा है तो बाइंग नेचर है बुलिशनेस काफी ज़्यादा हाई है तो मार्केट डायरेक्ट कंटिन्यूएशन कर जाता है बट आज के दिन क्या हुआ जो सेकेंड पॉइंट देखने को मिला मार्केट गैप अप किया एंड गैप को सस्टेन ही नहीं किया जो तीसरा पॉइंट है कि जो गैप क्रिएशन हुआ वो मार्केट ने गैप फिलिंग किया ये तीसरा पॉइंट है चौथा पॉइंट जो ऑब्जर्व कि मार्केट गैप फिलिंग के बाद अब गैप फिलिंग के बाद भी तो कंटिन्यूशन हो सकता है बट वो कंटिन्यूशन में आज के दिन स्ट्रेंथ ही नहीं था ये फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन अब स्ट्रेंथ को चेक किया गया है ऑप्शन चार्ट से सो so, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्ट्रेंथ ही नहीं था कि मार्केट अगर रिकवरी किया है गैप डाउन गैप को फिल किया है और रिकवरी किया है बाइंग स्विंग बनाया है तो बाइंग स्विंग में कंटिन्यूशन के लिए क्या होना चाहिए स्ट्रेंथ होना चाहिए तो वो स्ट्रेंथ आज के मार्केट्स में था ही नहीं अब इसमें आप देखोगे तो चौथा पॉइंट हो गया और डिटेल में अगर मैं और पॉइंट्स मेंशन करूं तो ये सारी चीजें देखिए मैं पॉइंट वाइज नहीं गिनता हूं बट एक्सपीरियंस हो गया है तो वो चीजें जब बनती हैं तो अपने आप समझ में आने लगता है बट पॉइंट वाइज आप सभी के लिए बताया जाए तो जो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है कि और अगर ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो मार्केट एक बाइंग स्विंग में अनसर्टेन नेचर होता है कि जब वीकनेस होता है तो बाइंग स्विंग हेल्दी नहीं बनता अगेन एंड अगेन मेजर रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है तो दो तरह के तीन तरह के बाइंग स्विंग होते हैं आप देखिए मल्टीपल बाइंग स्विंग होते हैं समझाने जाएंगे तो ये वीडियो टॉपिक से डेविएट हो जाएगा एंड थोड़ा मैसअप भी हो जाएगा कि मैं क्या चीजें बता रहा हूँ तो यही स्विंग को अगर मैं आपको अगर एक बार एक्सप्लेन एक करूँ तो देखिए ये वीकनेस की निशानी होती है कि बाइंग स्विंग ये हेल्दी नहीं कहा जाएगा क्यों नहीं कहा जाएगा कि बढ़ते हुए मार्केट में देखिए एक तो होता है चलिए एक बार एक केस बता ही देते नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि अगर कोई बाइंग स्विंग बन रहा है तो इसमें कैंडल्स कैसा बनेंगी एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बनी दूसरी हेल्दी ग्रीन कैंडल बनी और हेल्दी कैंडल्स बन रही ये पहला केस है दूसरा केस क्या होगा कि ये बाइंग स्विंग है ठीक है अब इसमें हम कैंडल्स बना रहे हैं बाइंग स्विंग ये भी है हम कैंडल्स बना रहे हैं दूसरा केस होता है कि कैंडल्स बनी एक हेल्दी बनी इसके बाद मार्केट साइडवेज है वीकनेस आने लगा एंड विक्स क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा कैंडल्स में तो ये थोड़ा अनसर्टेन बिहेवियर होता है और विक क्रिएशन के साथ भी क्या हो रहा है अगर मार्केट लोअर साइड पर अगेन एंड अगेन पुश हो रहा है और अगेन रिकवरी कर रहा है इसका मतलब क्या है जो भी बाइंग आ रहा है वो हैविली सेल कर दिया जा रहा है तो यही बिहेवियर आज के दिन बना है क्या देखेंगे क्या हुआ हेल्दी कैंडल आया मार्केट बाइंग स्विंग बनने की शुरुआत हुई प्राइस अच्छे प्राइस पर आ गया कि सेलिंग स्विंग का रिवर्सल हो रहा है इसके बाद देखेंगे तो मार्केट में स्ट्रेंथ ही खत्म हो गया है प्राइसेस देखेंगे सब डोजी डोजी कैंडल बन रहा है विक क्रिएशन काफी हाई हो गया एंड दो से तीन बार मार्केट क्या किया है लोस की तरफ पुश हुआ है ये इंपॉर्टेंट बिहेवियर है अब ये तीन कैंडल स्पेसिफिकली अगर मैं मार्क करूं तो देखिए पहला कैंडल ये वाला है इसको पिंक लाइन से मैं मार्क करूंगा दूसरा कैंडल ये वाला है और तीसरा कैंडल ये वाला है देखिएगा तो ये तीनों कैंडल्स में क्या हुआ है मार्केट यहाँ पर लोस की तरफ पुश हुआ है अगेन बायर्स ने भले रिकवरी कर दिया है बट हुआ क्या है प्राइसेस हैवीली इसमें सेल ऑफ हुआ है इसमें भी अगेन लोस तक आ गया यहाँ भी मार्केट ओपन हुआ अगेन लोस तक आ गया और ये नियर दी इंट्रा डे हाइज अगेन सेम बिहेवियर हुआ तो बायर कितना ही होल्ड करेगा एक बार होल्ड करेगा दो बार होल्ड करेगा ज्यादा से ज्यादा तीन बार होल्ड करेगा इसके बाद ये फिफ्थ सिक्स पॉइंट हो गया अब इसके बाद अगेन जो और कन्फर्मेशन है कि सिर्फ इसी के बेस पर कहीं भी सेलिंग पोजीशन नहीं बना देना सारी चीजें देखेंगे तो आप देखोगे मैच कर रही हैं इसके बाद मैंने आपको क्या दिखाया ऑप्शन चार्ट पर डाइवर्जेंस दिखाया इसके बाद कॉल ऑप्शन में क्या था वीकनेस था आज के दिन तो यहां पर अगर मैं कॉल ऑप्शन ओपन करूं तो थोड़ा सा इंडा मनी कॉल ऑप्शन ओपन कर सकते हैं तो ट्वेंटी 200 का ले सकते हैं तो 22200 अगर मैं आपको शो करूं सो ये 22200 का मंथली ऑप्शन है एंड मंथली के बाद अगर वीकली देखेंगे तो 22200 की जो रीसेंट एक्सपायरी है इसमें भी देखिए डिफरेंस होता है मंथली देखेंगे तो अच्छा खासा है बट वीकली देखना है वीकली क्यों देखना है क्योंकि कल के दिन क्या है एक्सपायरी है अब ये सारी चीजें देखिए मैं ये वीडियो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे हिट पॉइंट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे राइट right? कि एक एक टॉपिक पर काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है तो यही एक्सप्लेनेशन आने वाले सिक्स डेज लाइव सेशन में कवर किया जाएगा तो जो भी ये लेटेस्ट चीज़ें हैं सारी उसमें कवर की जाएंगी तो देखिएगा जो यहाँ पर मैंने मैंशन क्या किया कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को स्ट्राइक प्राइसेस से ऑब्जर्व किया जाता है तो स्ट्राइक प्राइस से कैसे ऑब्जर्व करते हैं और कौन सा स्ट्राइक प्राइस ऑब्जर्व करना है ऑब्जर्व करना, करना, करना और इस पर्टिकुलर डे पर ही वाई इट्स इंपॉर्टेंट ये इसको समझिएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल का एक्सपायरी डे है अब एक्सपायरी काफी दूर नहीं है वीकली वाला मंथली वाला पास होता तो मंथली देखते हैं वीकली एक्सपायरी अब कल ही है तो कल अगर एक्सपायर होना है तो अगर मार्केट को सपोज हम बाईस हज़ार दो सौ का कॉल ऑप्शन देख रहे हैं एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये बाईस हजार दो सौ का ट्वेंटी सेकेंड फैब का ये हमारा एक्सपायरी है राइट ट्वेंटी सेकेंड फैब के एक्सपायरी का ये हमारा कॉल ऑप्शन है तो यहाँ देखिएगा आप मंथली एक्सपायरी का मॉर्निंग का अगर बिहेवियर देखेंगे तो डिफरेंट लगेगा उसमें स्ट्रेंथ लगेगा क्यों स्ट्रेंथ लगेगा क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी है राइट एंड वीकली एक्सपायरी जो एक्सपायरी कल ही है 22200 अब देखिए इसका प्रॉफिट कब होगा 22200 के एक्सपायरी में जब मार्केट इन द मनी क्लोज होगा 22200 के ऊपर क्लोज होगा तो यहाँ पर क्या होगा अब मार्केट 22200 के करीब ही चल रहा है 22200 का ही क्यों ऑब्जर्व किया जा रहा है क्योंकि इट्स नियरेस्ट इन द मनी स्ट्राइक हियर तो 22200 पे एक लेवल अगर मैं चार्ट पर मार्क कर दूं तो बाईस हजार दो सौ कहाँ है यहाँ पर ये यह प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाईस हजार दो सो का लेवल है इसको भी पिंक लाइन से मार्क कर देंगे तो बाईस हजार दो सौ के ही करीब मार्केट ट्रेड हो रहा है तो अगर इस स्ट्राइक में वीकनेस होता है इसका मतलब क्या है कि ये इन द मनी क्लोज नहीं होने वाला आज के दिन रिवर्सल डे इस बेस पर आइडेंटिफाई किया जाता है तो प्राइसेस यहाँ देखेंगे पहले तो मैंने पाँच छह पॉइंट आपको काउंट कराया कि क्यों यहाँ पर वीकनेस है इसके बाद क्या पॉइंट आता है कि मार्केट जो आप स्ट्राइक प्राइस देखेंगे एक्सपायरी वाला इसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं आज के दिन मार्केट ओपन हुआ ओपन होते साथ ही लगातार एक अच्छा सेलिंग मार्केट्स में देखने को मिला इसके बाद कल के दिन भी देखेंगे तो यहाँ पर जो रिकवरी था तो कॉल ऑप्शन में मोमेंटम अच्छा देखने को नहीं मिला है यहाँ पर क्या हुआ है स्पॉट देखेंगे तो क्या किया है मार्केट्स यहाँ से कितना बड़ा मोमेंटम किया है हाइस के ये जो ब्रेक था सेकेंड हाफ सेशन में मोमेंटम आया था

बट आज के दिन रिवर्सल डे ये कैसे पता चल रहा है स्ट्राइक में स्ट्रेंथ है ही नहीं अदरवाइज एक्सपायरी के पहले ये क्या होगा काफी स्ट्रेंथ से अगर मार्केट को आज के दिन भी ट्रेंडिंग बाइंग साइड जाकर के अगर क्लोज होना होता तो मैं आपको यहाँ पर काफी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ बोल सकता हूं कि इसमें आज के दिन ये जो मॉर्निंग का बिहेवियर है मैंने क्या कहा मैं अगेन रिपीट करूंगा कि अगर आज के दिन रिवर्सल डे की जगह ट्रेंडिंग गैप को सस्टेन करके बाइंग डे वाला होना होता आज के दिन तो ये जो आप देख रहे हो ना कि इंट्रा डे हाई से जो वीकनेस है कि मार्केट इतना बड़ा सेलिंग स्विंग बनाया है इसके बाद अगेन लोअर हाई बना करके ही मार्केट नीचे गिर गया है तो इसके ओपन प्राइस में एंड हाई में कितना डिफरेंस है यहाँ पर कितना डिफरेंस है विक अगर छोड़ भी दें कि वोलेटिलिटी में क्रिएट हो गया हो अगर हाई प्राइस से भी देखेंगे तो भी डिफरेंस है एंड अगर आप यहाँ पर कल के हाईस को भी देखोगे तो ये तो क्लियर कट डिफरेंस है कि ये कल के हाई के इतना ऊपर स्पॉट का चार्ट यहाँ कहीं तक गया है क्लोजिंग दिया है एंड ऑप्शन में देखेंगे तो क्या हुआ है एक्सपायरी काफ़ी क्लोज था नियर दी हाईजी क्लोज हो गया ऊपर नहीं जा पाया तो ये एक डाइवर्जेंस है एंड आज के दिन भी एक क्लियर कट वीकनेस बना है तो इसी बेस पर कंफर्मेशन है अब मैंने क्या कहा कि अगर आज के दिन रिवर्सल ना होकर के कंटिन्यूशन होना होता तो जैसा ये वाला आपने मॉर्निंग का बिहेवियर देख लिया अब इसका क्या करिए आप मंथली एक्सपायरी देखिए तो बाईस का ये जो मंथली का बिहेवियर है ऐसा ही क्या होता है यहाँ पर इस तरह का कुछ बिहेवियर है ऑप्शन कैसा बना है मॉर्निंग में देखिए ये हाईज़ है ये लोज है एंड यहाँ पर क्या हुआ है मार्केट हाइज को ब्रेक किया है ये इंट्रा डे हाई ऑप्शन का प्राइस काफ़ी ऊपर गया है. तो आपको कुछ ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता अगर आज कंटिन्यूशन डे होना होता तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉजिक है आइडेंटिफिकेशन का जो अलग से मैं नहीं देखता हूँ बट आप देखिए आजा एक जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है अलग से एक एक पॉइंट लिख करके जा करके देखना नहीं पड़ता है आपके माइंड में ऑलरेडी वो चीज़ें फीड है इतना टाइम हो गया देखते देखते कि आप जैसे ही चार्ट ओपन करते हैं मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने जाता हूँ तो ये सारी चीज़ें अपने आप वो चार्ट देखते ही साथ ग्रस्क हो जाता है उसको पॉइंट को मैंशन या नोट करने के लिए माइंड में नीड कर, नीड वहाँ पर नहीं रहता है राइट बट बिगनिंग में प्रोसेस क्या है यही है कि एक एक कंसेप्ट जो बताया गया उसको सीखें उसको बार बार ऑब्जर्व करें फिर जा जाकर फिर वो आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा तो कभी भी आप ये नहीं देखोगे एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा क्या नहीं देखना पड़ता यू कैन डायरेक्टली ग्रेस्ट दी थिंग्स एंड एक ही नज़रिए में दस से पंद्रह सेकेंड में स्ट्राइक को देख के समझ में आ जाता है क्या चल रहा है तो यहाँ पर इसी बेस पर आज के दिन इट वॉज कन्फर्म कि इट्स अ सेलिंग मार्केट एंड जैसे ही फिर यहाँ पर क्या हुआ रजिस्टेंस बना और थोड़ा सेलिंग पुष्णा आने लगा ऑप्शन में वॉल्यूम आने लगा तो डायरेक्टली सेलिंग साइड का पोजिशन बनाया गया तो ये था आज के केस का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन अब देखिएगा कंटिन्यूस स्ट्राइक में यहाँ पर हमारा टारगेट्स है तो एस एल हिट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है तो और ज्यादा अब यहाँ से क्या होता है कन्फर्मेशन पर मैं ट्रेड करूँगा तो कल का ट्रेड क्या करेंगे लगातार टारगेट्स हो गया है तो और कंफर्मेशन पर लेंगे एंड जो अच्छी बात है यहाँ पर कि कंटिन्यूस स्ट्राइक तो है बट जो अच्छी बात है कि आज का मार्केट कैसा हो गया मेरे बोलने के पहले देखते हैं कितने व्यूअर्स समझ पाते हैं कि क्या अच्छी बात है कल के लिए मार्केट्स के लिए क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ ईजी ट्रेडिंग सेशन बाई इजी ट्रेडिंग सेशन क्योंकि कल के दिन देखो एक्सपायरी है अब एक्सपायरी के बाद निफ्टी के एक्सपायरी के बाद क्या चीज़ है यहाँ पर कि ट्रेंडिंग मोमेंटम हो गया है यूनी डायरेक्शनल मोमेंटम हो गया वन साइडेड मोमेंटम हो गया और ऑल टाइम हाई मार्केट से हुआ आज के दिन भी तो ऑल टाइम हाई बनाया है ना ऑल टाइम हाई बना करके गिरा है तो ये काफ़ी सिंपल केस है टू ट्रेड एंड मल्टीपल टाइम ये केसेस हमने ट्रेड किया हुआ है तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऑल टाइम हाई से गिर रहा है कल के दिन एक्सपायरी है तो अब देखो एक्सपायरी ट्रेंडिंग होने का प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा है नहीं होता नहीं है और वन साइडेड मोमेंटम के बाद और भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो गया है कि एक्सपायरी वाले दिन वन साइडेड मोमेंटम होगा तो मैं दोनों साइड का मोमेंटम एक्सपायरी पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वन साइड का ट्रेंडिंग एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं है और जो अनादर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट सपोर्ट बनाने के बाद यहीं से एक अच्छा रिकवरी दिखा चुका है तो इसी के बाद देखिएगा इसके बेसिस पर सिंपल केसेस बनेंगे कि मैं कल के दिन दोनों साइड का मोमेंटम स्विंग की बात कर रहा हूँ कि सेलिंग स्विंग भी सफिशियंट मिलेगा मोमेंटम कैप्चर करने के लिए बाइंग स्विंग भी सफिशियट मिलेगा बट हम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे इसी बेस पर बाइंग साइड का ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ट्रेड करने के लिए सेलिंग स्विंग को मैं उतना प्रेफरेंस कल के दिन नहीं देने वाला हूँ क्योंकि जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो बाइंग स्विंग को ट्रेड करने में दोनों स्विंग में मोमेंटम मिलेगा बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस में मिलेगा बाइंग स्विंग में मिलेगा क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है एंड ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूस यूनिड वन डायरेक्शन मार्केट सेल ऑफ हुआ है तो अब सेल ऑफ हुआ है तो कल के दिन भी ओपन होकर के अगर सेलिंग स्विंग बनाता है तो क्या कंटिन्यूसली गिरता चला जाएगा द आंसर इज वेरी वेरी नो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अगर मार्केट जब भी कल के दिन अगर हमें लोअर लेवल्स पर मिलेगा तो हम बाय करेंगे यही एक पॉइंट ही मैं सिर्फ आज के वीडियो में कहूँगा कि लोअर लेवल्स पर मिलेगा सेलिंग स्विंग के लोस पर मार्केट हमें मिलेगा तो हम बाय करेंगे तो अगर मार्केट नीचे गिर जाता है सपोर्ट बनाता है तो फिर वेरी क्लियर वी विल जो सेम केस हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वही कल के दिन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके बाद अनादर केस है कि छोटा सेलिंग स्विंग होता है बड़ा बाइंग स्विंग आ जाता है और फिर मार्केट क्या करता है सेलिंग स्विंग आ जाता है तो अगेन सपोर्ट बनने पर क्या करेंगे ये वही एक केस हो गया जो आपको आई गेस यहाँ पर कहाँ बताया गया था ये एक्सप्लेन किया गया था ट्वेंटी फाइव के वीडियो में भी ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया था इसके पहले यहाँ पर से ऑन दिस पर्टिकुलर डे सिक्सटीन uh, फाइव का भी जो वीडियो था इसमें भी ये कंसेप्ट को शेयर किया गया था क्या कंसेप्ट था कि अगर सेलिंग स्विंग बनता है और सेलिंग स्विंग को काफी ज्यादा बाइंग स्विंग रिवर्स कर देता है तो अगेन बाइंग स्विंग अगर स्ट्रेंथ के साथ बन गए जैसे यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ सेलिंग स्विंग है बायर्स ने रिवर्स किया बट काफ़ी ज़्यादा किया क्या रिवर्स स्ट्रेंथ के साथ हुआ क्या नहीं हुआ तो इसलिए मार्केट गिर गया लेकिन अगर सेलिंग स्विंग होता है बायर्स स्ट्रेंथ के साथ रिवर्स कर देता है तो अगेन मार्केट जब गिरेगा रिट्रेसमेंट के बाद सपोर्ट बनने पर बाय करेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ का बाइंग एक बार आ गया तो दोबारा सेलिंग में वो अगेन इंट्रा डे तक नहीं आएगा तो ये दूसरा केस बाइंग का हो गया ये पहला केस हो गया मॉर्निंग सेशन में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे सेलिंग स्विंग का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि पहले ही अगर मार्केट गैप अप हो जाए या पहले ही बाइंग स्विंग बना दे और वीकनेस आने लगे और बाइंग स्विंग रिवर्स हो जाए फिर वीकनेस आता है तो सेलिंग साइड का ट्रेड सोचा जा सकता है बट जो ज़्यादा प्रोबिलिटी है वो यही पहले दो केसेस बनने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट लोअर लेवल्स पर मिलेगा सपोर्ट बनेगा हम बाय करेंगे तो ये था आज का वीडियो अब आज रेगुलर प्रोसेस यहाँ पर ये तीनों केसेस में से या कोई कल के दिन नया केस भी बनता है तो जो भी केस का क्रिएशन होगा एज अ रेगुलर प्रोसेस आप सभी के साथ टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर किया जाएगा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया इंड कोर्सेज में टेलीग्राम इंक्लूसिव है तो कोर्सेज अगर परचेज़ करते हैं तो देखिए ये चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी एंड टेलीग्राम आपको लेना है तो वो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा सिक्स मंथ्स के लिए सो ट्वेंटी आवर सेशन में सिक्स मंथ्स के लिए टेलीग्राम एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट है फिफ्टी टू आवर सेशन में वन ईयर के लिए टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड जो लेटेस्ट अभी फर्स्ट ऑफ मार्च से सिक्स डेज़ का लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें भी सिक्स मंथ्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है सो ई ए आर एल वाई बी आई आर डी वन फाइव अर्ली बर्ड फिफ्टीन कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं अवेल प्रोडक्ट्स। तो सारी चीजों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया एंड जरूर जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी तरह की अच्छी लर्निंग वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिलता रहे तो सी ऑल इन द नेक्स्ट बाई टू ऑल एंड सी